जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SSB क्रैक एग्जाम्स में। आज के वीडियो में हम आपको सैनिक स्कूल की पूरी डिटेल्स देने वाले हैं। दोस्तों, सैनिक स्कूल CBSE बोर्ड से अफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। सैनिक स्कूल प्रिपेयर कराते हैं कैंडिडेट्स को ताकि वो आगे चल के NDA खड़गवासला ज्वाइन करके इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अफसर बने। सैनिक स्कूल सोसाइटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, मेंटेन और मैनेज करती है। एट प्रेजेंट टोटल 33 सैनिक स्कूल कंट्री में प्रेजेंट हैं। कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल सोसाइटी के एम्बिट में फॉल नहीं करते, इसलिए वो अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। साथ में सैनिक स्कूल लखनऊ देश का पहला सैनिक स्कूल है, जो कि 1960 में एस्टैब्लिश किया गया था, पर ये स्कूल UP गवर्नमेंट के अंडर फॉल करता है। ये एक लौता सैनिक स्कूल है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्टर्ड है। सैनिक स्कूल बच्चों को ओवरऑल NDA के लिए प्रिपेयर कराता है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ को करिकुलर और साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रेगुलरली कंडक्ट कराई जाती हैं। यहाँ बच्चों को वो माहौल दिया जाता है जो कि फौज के लिए नेसेसरी है। दोस्तों, स्टूडेंट सैनिक स्कूल में क्लास 6 और क्लास 9 में अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 6 में अप्लाई करने की एज लिमिट है 10-12 ईयर्स और क्लास 9 में अप्लाई करने के लिए 13-15 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए। कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और फिर रिलीज होगी मेरिट लिस्ट, और कैंडिडेट्स को मेरिट के बेसिस पे स्कूल में एंट्रेंस मिलेगा। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि फॉर्म भरने से पहले वो वेबसाइट पे जाके एडमिशन बुलेटिन पढ़ लें। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के कुछ प्री रिक्विजिट्स भी हैं, जैसे ईमेल फॉर कैंडिडेट, स्कैंड कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, सर्विस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, ID प्रूफ एंड अ वैलिड सोर्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। फॉर्म भरते समय कैंडिडेट्स 180 में से 4 एग्जामिनेशन सेंटर्स चूज करते हैं। उन्हें उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस मिलेंगे, जो आपको SSB इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है। कैंडिडेट्स को अपने रिस्पॉन्सेज OMR शीट पे मार्क करने होंगे। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर का मीडियम इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज होगा। इस पेपर के मैक्सिमम मार्क्स होंगे 300 और क्लास 9 के लिए लैंग्वेज का मीडियम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा। कैंडिडेट्स सारे रिस्पॉन्सेज इंग्लिश में देंगे और इस पेपर के मैक्सिमम मार्क्स 400 हैं। क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट्स को मिनिमम 25% मार्क्स हर सेक्शन में और एग्रीगेट 40% मार्क्स चाहिए। मार्क्स के हिसाब से ऑल इंडिया मेरिट प्रिपेयर होती है, और जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स इक्वल हैं, उनके मैथ्स के मार्क्स कंपेयर किए जाते हैं, और मैथ्स में ज्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट को पहले रैंक अलॉट की जाएगी। दोस्तों, सैनिक स्कूल लगभग हर स्टेट में मौजूद है और कैंडिडेट्स किसी दूसरे स्टेट के स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर सैनिक स्कूल में सेम रहती है। सैनिक स्कूल का काम है देश के लिए होनहार फौजी अफसर क्रिएट करना, जो आगे चल के फौज और देश के लिए बेहद यूजफुल साबित हों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।